डारोक के ऊपर हुआ हमला सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स का, तो क्या कुछ हुआ आज की रो में, तो आइए जानते हैं। तो भाई आज की रो खत्म हो चुकी है ब्लड लाइन रूल के साथ। तो भाई आज के मेन इवेंट में सेथ रोलिंस का मैच होता है सोलो स्को के साथ, और ये ब्लड लाइन रूल के साथ होता है मैच, और ये मैच में सब चीज का यूज कर सकते क्योंकि ये ब्लड लाइन रूल है। और लास्ट में सेथ रोलिंस कर्व स्टोन लगाकर मैच को जीत देते, इतने में जिम्मी उसे आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं। सेथ रोलिंस को बचाने आते हैं यहाँ पे जे उसो पर, जे उसो को मारने के लिए यहाँ पे एकदम से निकल पड़ते हैं डारोक, और डारोक रिंग के अंदर आते हैं और सेथ रोलिंस को मारना स्टार्ट करते, इतने में कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट हो जाता है और डारोक के पूरे होश जाते हैं और कोडी रोड्स टूट पड़ते हैं डारोक पर। सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स दोनों मारना शुरू कर देते हैं फाइनल बॉल्स को, और रोमन रेंज भी यहाँ आई अपने भाई डारोक की मदद करने, और इसी के साथ पूरा गेम पलट जाता है। और यहाँ पे डारोक और रोमन रेंज बेल्ट से मारना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस को, पूरी हालत खराब कर देते हैं सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स। और ये हमें ट्रेलर मिल चुका है रेसलमेनिया का, क्या कुछ हो सकता है रेसलमेनिया में सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स के साथ। तो भाई बात रही ब्लड लाइन रूल की रेसलमेनिया के अंदर, तो ये सब होने वाला, मतलब टेबल का यूज हुआ सिर्फ मैच के अंदर, इसमें कुछ अलग दिखाई नहीं दिया टेबल के अलावा। और रेसलमेनिया में कुछ इंटरेस्टिंग करवा सकती है WWE, रिटर्न तो कंफर्म है स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना का रेसलमेनिया के अंदर। तो अभी एक और स्मैकडाउन बची हुई है, तो चीजें अभी खत्म नहीं है, फिर स्मैकडाउन में भी कंटिन्यू होने वाली है, और आने वाले टाइम में WWE एडवर्टाइज कर सकती है रोमन रेंज और डारोक को नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए।